अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं इस व्लॉग का इंट्रो करना भूल गई थी, मैंने कहा चलो इसी क्लिप को यूज़ करते हुए इंट्रो कर लेते हैं। तो ऑफिस में हैं अभी हम लोग, खाने का वक्त था तो मैंने कहा चलें जी व्लॉग को इसी पॉइंट पे शुरू करते हैं। आ जाएं जी, मैं थोड़ी सी पापड़ियाँ और कराती हूँ। बाय द वे हाउस है डिनर में, हमारे डाइट वालों जो लोग हैं ना उनके बड़े मज़े रहते हैं क्योंकि स्विच करके इस तरह की मज़े की चीज़ें लाते रहते हैं। पापड़ी और लिख रहा तुम लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। वैसे बड़े मज़े का है, आ चुकी हुई हूँ पहले। मज़ेदार मुझे वैसे पर्सनली मुकबंग वीडियोस देखना बड़ा पसंद है। आप एक कंटेंट क्रिएटर के लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए बंदा है, इसको अच्छे से देखें। मिल गए मुझको पापड़ी, पोटैटो स्टिक्स दिए उसने, कितने सारे पोटैटो स्टिक्स। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बोलो ना खाउसे, खाउसे कभी खाया? खाउसे क्या होते हैं? खाउसे ही होते हैं भाई, मेमनी डिश है, बड़े मज़े की होती है। जहाँ से भी देख लो आई एम श्योर वहाँ अवेलेबल होंगे, ट्राई करो एक बार, तुम लोग बोलोगे। ये मिस कैसे कर दिया मैंने, फ्रूट खा लो। ये देखो यार, मैंने ना ऑफिस में आके नोट किया है क्योंकि यहाँ पर लाइट्स इतनी ब्राइट ब्राइट है ना कि मेरी जो अपर लिप्स ना ऐसे ग्रो ही नहीं है, बिल्कुल मूछे लग रही है मूछे। खैर पास से ना, बिल्कुल पास से आकर देखें तो तब पता लगेगा कि कुछ यहाँ पर मर्दाना टच आया हुआ है। दूर से इतना पता नहीं लगा, लेकिन यार मुझे एक और चीज़ तुम लोग भी बताना। वैसे बड़ी प्रोमिनेंटली फील हो रही है कि मेरा मुंह जो है ना वो छोटा होने लग गया, मुझे ऐसा लग रहा है। इवन दो डबल चिन अभी भी है लेकिन हंसी कम हो गई है, इसलिए हंसी कम हो गई है। खैर ये वाला ब्लॉग जो है ना, ये वाली फुटेज आप लोग भी सेव कर रहे हो और मैं भी सेव कर लेती हूँ, क्योंकि वो जो 1000 जंप रोप वाला चैलेंज है वो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंटिन्यू रखना ही है। तो महीने दो महीने के बाद वापस से दिखाऊंगी कि भाई ये जो बची कुची डबल चिन है ये गई, ख़त्म हुई, नहीं हुई, ख़त्म हुई। इसके अलावा ना मैम आजकल एक नहीं बल्कि दो ड्रिंक्स हैं जो कि पी रही हूँ वेट लॉस के लिए, क्योंकि यार ये जो पेट शीट है ना ये बड़ा मुझे बॉदर करने लग गया कि आई जस्ट नीड टू गेट रिड ऑफ इट नाउ। मुझे एक फ्लैट अच्छा सा जो है वो टनी चाहिए, क्योंकि अरसा हो गया मुझे अपने आप को इस हालत में देखते हुए कि यू नो पेट निकला हुआ है और अरे मेरी बॉडी है।
तो जब इंसान इस स्टेज पे पहुंच जाता है ना कि उसको चीज़ें खटकने लग जाती हैं, वो खुद को जब शीशे में देखता है तो कहता है कि क्या है, क्या हाल कर लिया तूने अपना, तो फिर वो वाकई कुछ करता है। तकलीफ भी हो रही होती है, बॉडी में दर्द भी हो रही होती है, तब भी नेक्स्ट डे उठ के जिम जाता है, वॉक के लिए जाता है, एक्सरसाइज करता है। तो मेरा अब जो है ना वो वाला पॉइंट रीच हो चुका है। तो चलो अभी जो है खाना खा लिया, खा उसे थे खाने में, बड़े मज़े के थे यार। तो मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग होगा क्या होगा, क्योंकि इंट्रो वगैरह मैंने कुछ किया ही नहीं, डायरेक्टली खाउसे से शुरू किया। तो अभी वापस काम शुरू करते हैं, 10:30 बज रहे हैं, आपको पता ही कि नाइट शिफ्ट करती हूँ मैं, थोड़ा सा जाके काम निपटाते हैं, फिर ग्रीन टी पीऊँगी, ये खाना कुछ ज़्यादा खा लिया मैंने खाउसे के चक्कर में, फिर मुलाकात होती है। अगर कुछ एक्साइटिंग होता ना तो फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट ईयर में। तो घर आ गए, मैंने कहा चलो अब थोड़ा बहुत व्लॉग बना ही लिया ऑफिस में तो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी वैसे भी मुझे अपना वो जो 1000 जंप रोप वाला चैलेंज है वो भी करना है, तो वो भी जाहिर है रिकॉर्ड करना है। तो हर रोज़ फिर मैं यही किया करूँगी कि अपने इसी बहाने मेरा डेली व्लॉग भी बन जाया करेगा, उसके अंदर एक पार्ट जो है वो उसका मैं चैलेंज का भी डाल दूँगी, स्पीडू के साथ, ठीक है ना। और अभी मैंने बर्तन धो के, ये जो किचन के कपड़े थे ये देखो, इसके ऊपर चाय वाय गिर गई थी, ये भिगो के रखे हैं ब्लीच के अंदर। और बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बनाने जा रही थी मैं, मैंने कहा कि जब तक मैं जंप रोप अपना कंप्लीट करूँगी, मेरा ये जो पानी है ना, जो आजकल वेट लॉस की ड्रिंक मैं पी रही हूँ, मैंने कहा वो तुम लोगों से शेयर करती हूँ। वैसे तो लोग बताते नहीं अपने सीक्रेट्स, लेकिन तुम लोग भी क्या याद रखोगे। तो ये कुछ बड़ी आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं किचन में, हर किसी की किचन में अवेलेबल होती हैं, कुछ भी स्पेशली खरीदने वाला नहीं है इसमें। तो ड्रिंक बनाने का बहुत ही सिंपल सा सादा सा तरीका है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये वाला जो ग्लास है, दरमियाने साइज का ग्लास हर किसी के घर में होता है, मैंने ये 4 ग्लास ले लिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेरा कैमरामैन कह रहा है 4 ले लिए हैं, 2 मैंने तोड़े हैं, ये भी तो बताओ। जी तोड़े भी हैं हमने, एग्जैक्टली। तो 4 ग्लास ले लेने आपने, क्योंकि पकने के बाद जो है तकरीबन कोई 3-2.5 ग्लास ही बचते हैं, ठीक है। इसके नीचे गैस मैंने जला दिया, कैमरामैन फोकस करो, नहीं झूठ ना बोलो। कलौंजी, ये है कलौंजी, कलौंजी का एक भर के चम्मच, ठीक है, ये चला गया इसके अंदर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़ीरा, ज़ीरा जो है वो पेट का जितना भी फैट होता है उसको गलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको एक भर के चम्मच आपने ज़ीरा ले लेना। फिर आ जाएगी हमारी अजवाइन, ठीक है, अजवाइन भी जो स्टमक का फैट होता है वो बर्न करती है, तो इसको एक भर के ये ऐड कर दो। फिर है जी सौंफ, सौंफ सिर्फ और सिर्फ हम टेस्ट के लिए ऐड कर रहे हैं, तो मैं 1/2 चम्मच ले रही हूँ सौंफ का। और एंड में आ जाते हैं ये, इनको क्या कहते हैं, मेथी दाना भी कहते हैं, फेनोग्रीक सीड्स भी कहते हैं, तो थोड़े से आपने ये 1/2 टीस्पून ये ले लेना, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं आपकी जो आपने डालनी है, और अब इसको आपने पकने देना है। इसको 2-3 उबाल आ जाएंगे तो फिर आपने छोड़ देना है। यार ज़रा दिखाओ इनको, ये 2-3 उबाल आ जाएंगे तो आपने इसको फिर गैस बंद कर देनी है नीचे से, ऊपर से कवर कर देना है ताकि ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे पानी के अंदर चले जाएं, और फिर आपने छान के इसको पी लेना। नहीं करवा यार, तो पीते वक्त ये है कि ग्लास में आप थोड़ा सा एक 1/2 लीमू भी स्क्वीज़ कर लें, उसके अंदर इसको डाल के पी जाएं, बड़े मज़े का टेस्ट होता है। आपको अगर नहीं समझ आए तो हल्का सा आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, शुरू के दिनों में फिर आप उसको भी कट आउट कर दें। तो ये एक सिंपल सी ड्रिंक थी जो कि बड़े ही फ़ायदेमंद है, मुझे तो लगता है मेरी जो डबल चिन कम हुई है इसके पीछे अच्छा खासा इसका भी रोल था, ठीक है। तो बहुत बकवास होता है, आयास को पिलाया मैंने पिलाने की कोशिश की लेकिन उसको समझ नहीं आया। तो अब जब तक ये बनता है इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूंगी, जब तक ये बनेगा तब तक मैं अपना जंप रोप जो है वो स्टार्ट करती हूँ, उसमें भी तकरीबन मुझे 1/2 घंटा लगना है। वो कंप्लीट करने के बाद हमने अपनी वॉक करने के लिए जाना है, वॉक में भी आपको पता है कि हमें 1.5 घंटा लग जाता है तकरीबन, हम माशाल्लाह से 7.5 से 8 किलोमीटर ऑन एन एवरेज कर रहे होते हैं हर रोज़। तो शुक्र है अल्लाह का, शुरू में मुझे बड़ा मसला हुआ था, पैरों के पीछे मेरे जो है वो ब्लिस्टर्स हो गए थे और समझ नहीं आ रही थी, तकलीफ़ हो रही थी। फिर जंप रोप भी शुरू की थी जब, तो जाहिर कोई भी काम आप जब अपनी
रूटीन से हटके शुरू करते हो तो शुरू शुरू में तकलीफ तो होती है एडजस्ट करने में, जैसे कि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो कट डाउन कर दी हैं अपनी रूटीन में से, कि चिप्स नहीं खाती हूँ और शुगर की कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम कंजम्पशन करूँ। ऑफिस में भी जब होती हूँ तो चाय बहुत ज़्यादा पीती थी मैं, उसकी जगह अब मैं ग्रीन टी प्रेफर करती हूँ कि यार गर्म पानी ही तो पीना है तो ग्रीन टी ही सही, तो वो भी मैं माइंडफुल होके थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना करती हूँ। तो शुरू शुरू में सारी चीज़ों में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आपको ये सारा कुछ सुन के ओवरवेल्म नहीं हो जाना है कि हाय ये तो ये भी कर रही है, ये तो वो भी कर रही है, ऐसा भी वैसा भी, हम ये सब कैसे करेंगे। मैंने भी ये सब कुछ एक साथ नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप किया, ठीक है। और अभी भी मुझे वो रिजल्ट्स जो मुझे चाहिए हैं अपनी बॉडी को लेकर और वैसे भी एक फिजिकल फिटनेस को लेकर वो भी मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो मैं भी अभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची नहीं हूँ कि मेरा ये डिज़ायर्ड वेट है और यहाँ पर मैं पहुंच गई हूँ। डिज़ायर्ड वेट मेरा आइडियली 43 है, फिलहाल मैं 63 हूँ, अभी आपके सामने वापस से चेक भी करते हैं। तो बस 1.5 महीना हो गया हम लोगों को ये थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपना चेंज किए हुए, तो अभी तक चल रहे हैं। हम भी स्ट्रगल्स करते हैं, बीच में चीट डेज भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बस करते ही रहते हैं। बाहर का भी खाते हैं, तो बिल्कुल आप स्ट्रिक्ट तो नहीं हो सकते ना कि भाई इतना अरसा जो आपने चीज़ें रखी वो एकदम से उसको कट डाउन कर दो, ऐसा कहीं नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा करके ठीक है। चलो अब वो वेट चेक करते हैं, उसके बाद अपना चैलेंज शुरू करते हैं और फिर वॉक के लिए। कॉपी पेंसिल लेकर आ गई हूँ मैं। इससे होता ही है कि थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहती है, अच्छा इतने हो गए और काउंट रखने में भी जो है ना आसानी रहती है। अच्छा जी, तो अल्लाह का नाम लेकर मैंने जो है वो आज का राउंड भी शुरू कर दिया था 1000 जंप रोप्स का। ये चैलेंज मेरा अपने आप से है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वहाँ देखने के लिए जहाँ मैं हमेशा देखना चाहती थी। वन मिनट एंड 56 सेकेंड्स, यानी ऑलमोस्ट 2 मिनट में 100 हो रहे हैं। और शुरू के जो होते हैं ना, यानी 300-400 तक थोड़े स्लो होते हैं क्योंकि टेम्पो बिल्ड हो रहा होता है, उसके बाद वाले जितने भी होते हैं वो सारे जो है ना स्मूथली होना शुरू हो जाते हैं। फिर एंड वाले जो होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, 900-1000, क्योंकि तब तक इंसान थक चुका होता है। तो हर चीज़ में एक चैलेंज मौजूद है भाई, ये आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको पुश थ्रू करते हो कि नहीं करते हो। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जो है वो स्वेटर चेंज कर लिया था क्योंकि पहले वाले की स्लीव्स बहुत बड़ी थी तो बार बार जो है वो रास्ते में आ रही थी, और इसके अलावा वो मोटा भी काफ़ी था तो जंप करने में जो है ना प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस यहाँ से वापस से मैंने पिकअप किया, बस दुआ है अल्लाह ताला से। आप भी प्लीज़ दुआ किया करें हमारे लिए कि मैं जो है वो कामयाब हो सकूं और अपने चैनल को वहाँ लेके जा सकूं, उस मुकाम तक जहाँ तक मैं देखना चाहती हूँ इसको। तो बस सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल। 500 डन हो गए, तकरीबन 6 मिनट्स एंड 47 सेकेंड्स इसके ऊपर हुए हैं। 2 मिनट ऐड कर लें, 6, 7, 8 मिनट्स एंड 47 में मेरे जो है वो 500 हुए हैं। नहीं सर जी, 100 मिलियन ज्यादा होगा। बस स्ट्रेस करेंगे तभी तो कहीं पहुंचेंगे। आज कह रहे बहुत स्ट्रेच ना करो, मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रही हूँ, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर काउंट को स्ट्रेच कर दें, हैं उसको स्ट्रेच करा के 100 मिलियन तक पहुंचा दें। है मजा आ जाएगा।
चलो जी, टाइमर हमारा चल ही रहा है, 700 हो गए, कंटिन्यू करते हैं, फिर वॉक के भी निकलें जल्दी जल्दी, देर हो गई आज, 5:20 तो इधर ही हो गए। चले जी, 2 दिन तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आराम सुकून के साथ हो गए, गुजार दिए अल्लाह ने, बस आगे भी दुआ है कि इसी तरह मैं कायम रह सकूं अपने अल्फाजों पे, उसको करती रहूं। यहाँ पर मेरे 900 हो गए थे और मैं 14 मिनट 40 सेकंड, तो तकरीबन 16 मिनट रह गए हैं। पसीने निकल रहे हैं पीछे से, बैक मेरी पूरी भीग चुकी हुई है, दर्दें हो रही है, लेकिन क्या ही मज़ा आ रहा है। मतलब वो फीलिंग होती है ना अचीवमेंट की, कि यस सेकंड डे इन अ रो किया मैंने। चलो आखिरी सेट निपटाते हैं जल्दी जल्दी और निकलते हैं। हजार हो गए, गुड जॉब सलमा, गुड जॉब। तुम लोगों को अपनी हालत चेक कराती हूँ जरा। ये देखो ये हालत हो रही है। चले आया सब, चलें फिर। कैसा लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि आपकी बीवी कर पाएगी? कर पाएगी, भरोसा है आपको? ओके, लेकिन लेकिन 100 मिलियन तक कर पाएगी? 100 मिलियन तक डेफिनेटली पहुंचेंगे, अभी नहीं तो एक पॉइंट पे आके डेफिनेटली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पूरा तुम ऐसे भीगी भी हो जैसे कि जून जुलाई की। हाँ, बस इसी मेहनत के बदले आप लोगों ने बस सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, कमेंट कर देना है एक भरपूर मज़ेदार सा मोटिवेशन से भरा हुआ, और बस फिर इसी तरह आपके साथ मज़े मज़े की वीडियोस आती रहेंगी और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। ठीक है जी, चले फिर वापस आते हैं, फिर आपसे ज़रा और बातचीत करते हैं और देखते हैं और क्या क्या करने को है। ठीक है, निकलते हैं आप, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो वॉक से वापस आके फ्रेश हो गए, तकरीबन ये सब कुछ करते करते 7:30 बज गए हैं सुबह के, और अभी हमें सोना है, सो के उठना है। बहुत सारे दुनियादारी वाले जो काम आप दिन में करते हैं वो हम अभी सो के उठेंगे फिर करेंगे, मतलब नॉर्मल लोगों का दिन जो है वो शुरू हो चुका है। नॉर्मल लोगों का दिन शुरू हो चुका है, हमारा अभी हम ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क होता है रात की शिफ्ट करने वालों में और दिन की शिफ्ट करने वालों में। तो अभी हम लोग आते वक्त ये दूध लेकर आए, बंस लेकर आए, इसको उबालती हूँ, साथ में फ्रूट कट करती हूँ और यहाँ पर इसको गर्म कर रही हूँ, ये पीऊँगी, फ्रूट कट करूँगी, और उसके बाद अभी मेरी आँखें ऐसे बंद हो रही हैं ना कि बस। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने 7 किलोमीटर किया, थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी करने में क्योंकि हल्का हल्का सा पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं सायमा रुकना तो है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो तुमने हर रोज़ करनी है इंशाल्लाह, तो आदत तो डालनी पड़ेगी, आदत डालेंगे तो तभी हो पाएगी वरना तो नहीं। चलें जी, अब इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे उठने के बाद, बल्कि मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, जितना भी हो गया सो हो गया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल के व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, प्यारे प्यारे सबने कमेंट्स करें, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा कल, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।